नमस्कार आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक और नया गले का डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो बनाने के बाद आपका बहुत ही सुंदर लगेगा जो कुर्ती पे भी बना सकते हो सूट पे भी बना सकते हो तो इसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले कुर्ती का पीस लिया है यहाँ पर तीन इंच का निशान लगाया है और नीचे आपको जितना डीप चाहिए उतना निशान लगाना है मैंने सात इंच पर लगाया है इसको इस तरीके से सीधी लाइन लगा लेंगे और इसको हमने थोड़ा सा गोलाई में लेके जाना है राउंड वी होता है ना वैसा है इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लेना है और इसको हम कटिंग कर देंगे अब इसको कटिंग करने के बाद हमने इस पर जो डिज़ाइन बनाना है उसके लिए कटिंग कर करनी है पेपर पेस्टिंग के ऊपर जो ये पेस्टिंग है ये बंद साइड पे हमने इस तरीके से रखना है जो गला है जैसे हमने कटिंग किया था वैसे ही सेम रखना है और इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है बिल्कुल गले के साथ साथ अब इसको हटा लेंगे और इसके साथ साथ हमने पौना इंच तक एक और लाइन ड्रॉ करनी है तो ये जो है हमारा गले की फिनिशिंग के लिए है तो ये हमने बिल्कुल साइड में इसको अप्लाई करना है अभी हमने पहले डिज़ाइनिंग के लिए भी कटिंग करनी है तो ये हम साइड रख देंगे और इसी तरीके से फिर से हम कुर्ती का पीस रख के एक और पैटर्न कट करेंगे यहाँ पर तो इसको जैसे पहले हमने ड्रॉ किया था वैसे ही हमने इसको फिर से ड्रॉ कर लेना है अब इसको कुर्ती को हटा लेंगे और जिसके हमने बाहर की साइड जो हमारा डिज़ाइन वाला पैटर्न है वो बनाना है तो इसके लिए मैंने सवा एक इंच पे निशान लगाया है पूरा सवा एक इंच पे नीचे तक हमने निशान लगा लेना है इसको हमने पूरा डार्क कर लेना है और यहाँ पर हमने एक इंच का निशान लगाया है इसको इस तरीके से हम तिरछा कट कर देंगे इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे जिसे सवा एक इंच पे लगाया था ये मैंने थोड़ा सा बढ़ाया है डेढ़ इंच तक किया है तो इसको हम कट कर लेते हैं तो कटिंग करने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा एक दूसरे के सामने रखेंगे तो ऐसे आएगा ये हमारा बाद में यूज़ होगा तो इसको पहले तैयार कर लेते हैं इसको मैंने डबल फोल्ड कपड़े के ऊपर रखा है और इसको अच्छे से प्रेस के साथ पेस्ट कर लेंगे तो पेस्ट करने के बाद इनको पहले मैं अलग अलग कर लेती हूँ और अलग करने के बाद जो साइड हमारी बाहर की साइड आने वाली है वो हमने इसको बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हमने स्टिच कर लेना है एक सिलाई लगा लेनी है यहाँ तक कि इस तरफ को भी लगा ली अब दूसरी दूसरा वाला पार्ट जो है उसमें भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है और एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको हमने कट कर देना है सिलाई की साइड में हमने कम मार्जिन रखना है जो सिलाई की साइड जहाँ पे सिलाई नहीं लगाई है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मार्जिन रखना है क्योंकि वो हमारा गले के साथ अटैच होगा अब इसको मैंने सीधा कर लिया है दोनों तरफ के कपड़े को अब इसमें हमने पाइपिंग लगानी है तो यहाँ पे मैंने पाइपिंग ली है पाइपिंग के लिए डेढ़ इंच चौड़ाई में उरे पट्टी ली हुई है तो जिस तरफ हमारी पेस्टिंग नहीं लगी है वो हमारी उल्टी साइड है मतलब जो हमने बाहर की साइड दिखानी है साइड वो हमारी सीधी होगी तो अभी मैं सीधी साइड पे सीधी साइड जो है वो नीचे की साइड है जहाँ मैं पाइपिंग लगा रही हूँ और ऊपर सामने वाली जो साइड है वो उल्टी साइड है तो अभी हमने यहाँ पर पाइपिंग जो है वो नीचे की साइड रखी है जो पलट कर ऊपर की साइड आ जाएगी मतलब उल्टी साइड पे दोनों पे लगा लेते हैं साथ साथ में इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे सिलाई बिल्कुल किनारे पे लगा रही हूँ जिससे हमारी पाइपिंग जो है वो अच्छे से निकलेगी तो ये हमारे यहाँ पर लगा लिया है इसको इस तरीके से उल्टी साइड के लिए फोल्ड करना है और एक टॉप स्टिच लगानी है बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ इस तरीके से अब इसको यहाँ पर सेट कर लेंगे अच्छे से और ये पाइपिंग हमने दोनों पे लगा ली है दोनों पे लगाने के बाद हमने इसको अच्छे से प्रेस के साथ सेट कर लेना है और इसको हमने जो गला कटिंग किया था उस पर इस तरीके से हमने लगाना है अब इसको अच्छे से, से सेट करके ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे ऐसे दूसरी साइड का भी इसी तरीके से हमने लगा लेना है इसको लगाने के बाद हमने ये जो सबसे पहले कटिंग किया था हमने गले की शेप में उसको सिंपल जैसे बुकरम वाला गला बनाते हैं वैसे ही इसको रेडी कर लेना है और इसको अंदर का भी हमने कटिंग कर देना है क्योंकि गला तो हमने पहले से ही कटिंग कर लिया है तो इसको भी हमने कटिंग कर लिया और बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इसको इस तरीके से रखना है और एक स्टिच लगा देनी है अब ये स्टिच कंप्लीट होने के बाद अंदर से हमने डीप कट लगाने हैं जहाँ पे हमारे कॉर्नर बने हुए हैं गोलाई है, है वहाँ पे हमने हल्के हल्के कट लगाने हैं तो उसके ताकि ये अच्छे से फोल्ड हो जाए अब इसको हमने इस तरीके से टर्न करना है और जो हमने पेस्टिंग वाला गला जो बनाया है उसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगानी है टॉप स्टिच लगाने के बाद ये मुड़ने के लिए तैयार हो जाएगा तो इसको उल्टी साइड के लिए हमने टर्न कर देना है पूरा पूरा और ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा देनी है और अंदर से हमने उल्टी साइड से उसको तुरपाई के साथ अच्छे से सेट कर लेना है इसके बाद हमारा गला जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगा यहाँ पर आप बटन भी लगा सकते हो मेरे पास पिंक बटन नहीं है तो मैं सिर्फ लगा कर देख रही हूँ